दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी के बारे में वीडियो बनाए थे और जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो उस वीडियो में हमने डिटेल्स में बताया एक्चुअली व्हाइट फ्लाई क्या होता है, व्हाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, व्हाइट फ्लाई का लाइफ साइकिल क्या होता है, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए दवा भी बताए थे। और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का प्यार की वजह से और सपोर्ट की वजह से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो हमने सोचा व्हाइट फ्लाई के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए 5 टॉप 5 दवा के बारे में बात करेंगे। जिस दवा को अगर आप लोग किसी को एक को लेते हैं और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही बार में कंट्रोल कर देगा और लंबे समय तक ये कंट्रोल करके रखता है व्हाइट फ्लाई को। तो इसी के लिए आज हम डिटेल्स में बात करेंगे व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए 5 दवा के बारे में। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी दवा को हमने 5 में रखा है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला नंबर में जो दवा का रखा है वो होता है फ्लोनिकामिड, जो कि 50% WHO फॉर्मुलेशन में मिलता है। फ्लोनिकामिड यानी कि जो UPL कंपनी का उलाला नाम पे मिलता है या फिर सोयल एग्रोकेमिकल कंपनी का आप लोगों को पानामा नाम पे भी मिल जाता है, इसमें से किसी को एक को ले सकते हैं। और इसके अंदर जो आप लोगों को व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए केमिकल दिया गया है वो एक बहुत ही अच्छा केमिकल है, जो कि नया केमिकल है, लगभग 2 साल तक हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो इसको अगर आप लोग 5 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव करते हैं तो ये सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। सिस्टमेटिक तरीके से यानी कि मान लीजिए फ्लोनिकामिड यानी कि उलाला को अगर आप लोग किसी भी फसल पर छिड़काव कर दिया और व्हाइट फ्लाई अगर किसी भी पत्ती के ऊपर बैठता है और वो पत्ती का रस चूसता है तो वो जो दवा है दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से फैल जाने के कारण रस चूसने के बाद भी वो मर जाता है व्हाइट फ्लाई। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। दोस्तों दूसरा नंबर पे जो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमने दवा को रखे हैं वो होता है डाइक्लोथियोरोन 25% और उसके साथ साथ पायरीफॉक्सीपैन 5% का एक कॉम्बिनेशन आता है, जो कि बाजार में आप लोगों को बहुत ही फेमस टाटा रेलिस कंपनी का बोरिश नाम पे मिलता है या फिर आप लोगों को GSP क्रॉप साइंस का SLR 525 नाम पे मिलता है या फिर परिजात इंडस्ट्रीज का जाइफेन नाम पे भी मिल जाता है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और ये जो दवा है दोस्तों ये व्हाइट फ्लाई के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। तो इसका जो दोस्तों डोज रखना है आप लोगों को 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, जिससे कि आप लोगों को व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरीके से ये कर देता है। अब दोस्तों तीसरा नंबर पे जो हमने व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए दवा लिए हैं वो है BSF कंपनी का सेफिना नाम पे, जो कि ये भी एक नया प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। एक स्पेशली दवा माना जाता है सेफिना को। तो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल आखिर इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है तो आखिर कौन सी ऐसा कंपोजिशन इसके अंदर दिया गया है, तो इसके अंदर आप लोगों को एपिडोपायरीफेन 5% DC फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है, जो कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, किसी भी कंपनी के पास ये कॉम्बिनेशन अभी तक मार्केट में नहीं मिला है। तो इस कॉम्बिनेशन का दवा को लेते हैं तो सेफिना नाम पे आप लोगों को बाजार में BASF कंपनी का मिल जाता है, जिसको भी आप लोग 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने पर बहुत ही शानदार तरीके से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। और एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, सेफिना जो है ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, जो कि उसके चलते आप लोगों को बहुत ही अच्छा तुरंत रिजल्ट मिलता है और काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब जो नेक्स्ट हमने दवा को रखे हैं वो बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी, जो कि स्पाइरोट्रेट्रामाइड और उसके साथ साथ इमिडाक्लोरोपिड का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। ये भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन का दवा है, जो कि किसी भी कंपनी के पास इस टेक्निकल का दवा अभी तक नहीं निकला है। तो इसको भी आप लोग व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। आप दोस्तों नेक्स्ट जो हमने 5 नंबर में दवा रखे हैं दोस्तों वो है बेस्ट एग्रो लाइफ साइंस का रोनफेन नाम का दवा, जो कि ये भी एक बहुत ही अच्छा दवा है। तो इसके अंदर जो टेक्निकल है वो आप लोगों को 3 टेक्निकल एक साथ में मिलता है, जो कि किसी भी कंपनी के पास अभी तक तो नहीं देखे हैं हमने। अगर आप लोग देखे हैं तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो रोनफेन जो दवा आती है इसमें आप लोगों को 3 जो कंपोजिशन मिलता है, एक तो आता है डाइफेनथियोरोन, एक आता है डिनोटीफुरोन और एक आता है पायरीफॉक्सीपेन। तीनों का एक साथ में कंपोजिशन है, तो आप लोग सोच लीजिए कैसा है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करेगा। तो ये जो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। इसको भी आप लोग 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने पर बहुत ही शानदार तरीके से ये व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। तो ये जो दोस्तों हमें 5 दवा बताया है
इसमें से आप लोग किसी को एक को ले सकते हैं व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। बाकी और भी कोई भी दवा अगर आप लोगों के मन में है कि ये दवा व्हाइट फ्लाई के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है, तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमको भी पता चलेगा कि ये भी दवा सच में व्हाइट फ्लाई के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस वीडियो में व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए टॉप 5 जो दवा हमने बताया है इसके बारे में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर से बता सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।